बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को अपने विंटर में लगाए जाने वाले फूलों के बीज दिखाए थे जो मैं इस सीज़न में ग्रो करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि अब मैं जो है ना अगले एक दो दिनों में कौन सी सब्जियाँ हैं जो विंटर में लगाई जा सकती हैं, उनको उनके सीड्स आपको दिखाऊंगी। और ये सिर्फ मेरे पास तो इस टाइम पे 8 हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है जितनी आपके पास जगह मैसर हो उसके मुताबिक विंटर में लगाई जाने वाली सब्जियां इसके अलावा भी बहुत सी हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जो मैं लगा रही हूँ वो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, ये है मटर के सीड्स और नंबर 2 पे ये देखें रेड रेडिश है, लाल रंग की मूली। एक तो छोटे साइज वाली गोल होती है, लेकिन ये थोड़ी लंबी है, लेकिन रेड कलर की होगी, बहुत खूबसूरत लगती है ये। अच्छा जी, इसके अलावा ये फ्रेश बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स भी कहते हैं, यानी कि फलियां जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहेंगे, तो उसके सीड्स हैं, इनकी बेलें होती हैं, तो ये लगाऊंगी। इसके अलावा स्पिनच है जो कि सर्दियों में ज़रूर लगाई जाती है और बड़ी आसानी से ग्रो कर जाती है, ये स्पिनच के सीड्स हैं। ये है हेलापीनियो पेपर, ये मीडियम हॉट है और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, इससे पहले कभी नहीं लगाई, देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। और ये जो कि आइसबर्ग लेटस है, बहुत खूबसूरत बर्गर्स वगैरह में और सैलड्स में बहुत अच्छा लगता है, तो ये लगाऊंगी इंशाल्लाह। इसी तरह ये है रेड रशियन केल केल, यानी कि समझ लें कि पालक की एक किस्म है जो कि फर्स्ट टाइम ही मैंने लगानी है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। और इसके अलावा ये है टर्निप के सीड्स, यानी कि शलजम के बीज हैं, तो ये ग्रो करेंगे। तो इसके अलावा जो है ये सर्दियों में, इसके अलावा बहुत सारे सीड्स हैं जो हम ग्रो कर सकते हैं, धनिया है, मेथी है, डिफरेंट टाइप के साग हैं, इसके अलावा चुकंदर है यानी बीट है, गाजरें हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां हैं। अगर आपके पास जगह हो तो ज़रूर लगाएं, और स्पेशली आजकल के दिनों में जबकि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हम लोगों को जो भी जगह मुयस्सर हो, अगर ज़मीन ना हो तो डिफरेंट टाइप के गमलों में, क्रेट्स में, टोकरियों वगैरह में लगाया जा सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको जो है ना और तरीके भी बताऊंगी कि अगर ज़मीन ना हो तो किस तरह से हम लोग अपने घरों में थोड़ी बहुत ही सब्जियां उगा सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।